हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको यूनिट कॉस्टिंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। यह बुक है डॉक्टर एस एम शुक्ला जी की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है। तो इसमें कहता है वेरियस कॉस्ट एंड परसेंटेज, आपको विभिन्न प्रकार की कॉस्ट बताना है और आपको परसेंटेज बताना है। क्या क्या कहता है क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी बुक में दिया होगा, हमारे साथ में आप देखते चलिए। कहता है कि निम्नांकित सूचनाओं से विभिन्न लागतें एवं कारखाने के अप्रत्यक्ष व्ययों की मजदूरी के साथ प्रतिशत, कार्यालय के व्ययों का कारखाना लागत के साथ प्रतिशत, सब बताएंगे बढ़िया से। फाइंड आउट वेरियस कॉस्ट एंड द परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट विथ वेजेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मटेरियल यूज्ड, वेजेस, वर्क ऑन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम लोग बना लेंगे कॉस्ट सीट। क्या बना लेंगे? कॉस्ट सीट, ठीक है, कॉस्ट सीट हिंदी में कहते हैं लागत पत्र, ठीक है, लागत पत्र। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं आपको कॉलम बढ़िया से बना लेना है, कॉलम, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है पार्टी कूलर, ठीक है। कॉलम के लिए इसमें आपको ध्यान देना है टोटल कॉस्ट लिख लेना है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट लिख लेना है। तो आपको बताना चाहते हैं जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग मटेरियल यूज्ड, मटेरियल कितने का यूज कर रहे हैं, 10,000 मटेरियल यूज्ड, 10,000 वेजेज, 20,000 मटेरियल और वेजेज को ऐड कर लेते हैं तो निकल के आता है प्राइम कॉस्ट 30,000। मटेरियल वेजेज को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, प्राइम कॉस्ट 30,000। फिर दिया है वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब इसको बोलते हैं वर्क ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड ऐड करते हैं 15,000 हो जाएगा 45,000 वर्क कॉस्ट। उसके बाद आपको ध्यान देना है ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, इसके लिए ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 54,000। मटेरियल में वेजेज ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में वर्क कॉस्ट ऐड कर देते हैं, वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर देते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाता है, वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। इसके बाद कोई भी खर्च नहीं दिया गया है, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है, यही हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, इसको लिख लीजिए। इसके बाद परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं करना है, इसको निकालते हैं। आपको ध्यान देना है इसमें कहा गया है अप्रत्यक्ष व्ययों का मजदूरी के साथ परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट विथ वेजेज, ये वर्क ऑन कॉस्ट है, परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज ऑफ
वर्क ऑन कॉस्ट विथ वेजेस। वेजेस कितना है? 20,000 रुपया ना, पर 20,000 रुपये। क्या बोल रहा है फिर से समझिएगा, अप्रत्यक्ष व्ययों का ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 ना, किसके साथ? ऑन कॉस्ट बोला है, किस पर? वेजेज पर। गुडे सो यहां पर आएगा 75%। याद रखना, परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट मतलब कि किस पर? वेजेज पे, मतलब कि अप्रत्यक्ष व्यय का मजदूरी के साथ परसेंटेज निकालना होगा, तो यही आएगा 15,000 भागे 20,000 गुणे 100 75%। अगला क्या बोला है? कार्यालय ऑफिस का वर्क कॉस्ट पर। देखो इसका फॉर्मूला होता है का भागे पर गुणे सो। का मतलब जैसे अगले में बोला है, देखो कार्यालय के व्ययों का कारखाना लागत के साथ, साथ बोले पर बोले बात वही होगा, का भागे साथ या पर वही चीज है, ठीक है। तो अगले में क्या कर लेना है? अगले में निकाल लेना है परसेंटेज ऑफ किसका? परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस विथ वर्क कॉस्ट। कितना बोला है? ऑफिस का खर्चा कितना है? 9,000। वर्क कॉस्ट कितना है? 45,000। गुणे 100 कर दो, आ जाएगा 20%। समझिएगा, का डिवाइड बाई पर, इंग्लिश में समझ लेना, जिस पर बोला रहे, जैसे बोला है वेजेज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट बोला है, वर्क ऑन कॉस्ट हमारा ये हो गया 15,000, ठीक है। वर्क ऑन कॉस्ट किस पर बोला है? वेजेस पे बोला है, वेजेस नीचे रख दो। अगले में क्या बोला है? ऑफिस ओवरहेड किस पर बोला है? वर्क कॉस्ट पर बोला है। यहाँ पर 75%, यहाँ पर 20%। ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।